कबीर को सबके नजरियों को समझने की तौफीक अता फरमा, ताकि वो सबके हक में सही फैसला ले पाए। हम इस कुराने पाक पर अपना हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलकर हर मसले का हल ढूंढेंगे। कबीर मियां, अब आप शहर काजी बन चुके हैं, लिहाजा नायब शहर काजी की पोस्ट अभी खाली है। तो हमारी आपसे इल्तजा है, गुजारिश है कि आप नायब शहर काजी के लिए ज़ारा अहमद को चुन लें। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता काजी साहब, हम शहर काजी हमेशा के लिए नहीं बन रहे, कुछ ही दिनों के लिए बन रहे, तो लिहाजा हमें नायब काजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ज़ारा एक लड़की होने के नाते शहर काजी बन ही नहीं सकती, तो नायब काजी की बात कहां से आ गई? और काजी साहब, इस पोस्ट के लिए खातून का चुनाव करने की क्या माने? जी कबीर मियां, इस वक्त आप शहर काजी हैं, लिहाजा इस मसले पर हम आपसे बहस नहीं करेंगे, और वैसे भी हम आपसे इजाजत चाहते हैं, हमें अपने भाई साहब के पुरसे में बनारस जाना है। सर, कबीर ने हमारे पीछे पुलिस छोड़ रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बहन रुखसार को उठा लेंगे। हमारी बहन का वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। जीनत, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? कहाँ खोई हुई हो? माफ कीजिएगा, पता नहीं हमने ये वाला बोल अंदर कैसे रख दिया हमें। अच्छा ठीक है, संभल कर काम करो, और ऐसे करो तुम सलाह तैयार कर दो, काजी साहब के यहाँ मातम का माहौल है, खाना बनाकर उनके घर भी भिजवाना है। हाँ ज़ारा, मानो हमारे घर में एक बहू बनकर नहीं बल्कि एक फरिश्ता बनकर आई। जब भी इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आई है, हमेशा हमारी ज़ारा ने हम सबको बचाया है। खुदा ना खास्ता कबीर और अमान को कुछ हो जाता तो ये घर बर्बाद हो जाता। सीना, ज़ारा का जितना भी एहसान मंद हो, हम कभी भी नहीं भुला सकते, इसलिए तुम्हारे दिल में जो भी गलत फहमियाँ हैं उसे ख़त्म कर दो, दिल में जो भी नफरत है उसे ख़त्म कर दो, ताकि हम सब लोग साथ में खुशी खुशी रहें। हाँ सीना, इना जी का फाइल। काजी साहब, ये फाइल अब्बा ने दी है। ये एक हीना नाम की लड़की का केस है, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। इसका मेडिकल काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया है, जिसके लिए उसे दिल्ली जाना होगा। अच्छा। हीना के वालिद साहब जसीम साहब,
जिनका प्लाईवुड का कारखाना है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी अनजान शहर में अकेले ना जाए, या तो उसके साथ उसका भाई जाए या कोई महरम। लेकिन अभी हमने जैसे आपको बताया कि हीना इकलौती बेटी है, उसका कोई भाई नहीं है, इसी वजह से जो उसके वालिद हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी अनजान शहर में अकेली जाए, वो चाहते हैं वो यहीं रहकर पढ़े। लेकिन हीना को ये मंजूर नहीं है, इसलिए उसने शरिया बोर्ड से मदद मांगी है। सबसे माजरत चाहते, हमारे चाचा जान का फोन आ गया था, इसलिए हम उन्हें लेने स्टेशन चले गए थे। हजरत, आज हम सब के बीच रिजवान के चाचा अल लखनऊ शहर के शहर काजी मौजूद हैं, तो जितने भी कुरान पढ़े गए हैं उसको फातिहा पढ़कर अपने बड़े भाई की बख्शिश की दुआ काजी साहब खुद करेंगे। नहीं, हमारे शौहर के दुश्मन उनका फातिहा हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। जो शख्स उनके जीते जी उनसे मिलने नहीं आया, उनके मरने के बाद किस हक से उसे रिश्ता जोड़ने आया है? भाभी जान, ये अपने भाई पर 20 साल पहले ही हक खो चुके हैं। ये क्यों आए हैं हमारे गम को और बढ़ाने के लिए? क्यों आए हैं ये हमें और दर्द देने के लिए? ये बकरो, सुनो, हम ना अम्मा के यहाँ जा रहे हैं। जब तक अब्बा वापस नहीं आ जाते, हम रात को अम्मा के यहाँ रोका करेंगे। ओले 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 ओले। हमारी जारा दल गई। बहुत ज्यादा डर गए। अब क्या पता शहर काजी साहब कब क्या फैसला सुनाते, डरना तो पड़ेगा। वैसे तुम जानती ना, जिस शहर काजी की तुम बात कर रही हो, वो शहर काजी तुम्हारा शोहर है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हम भूल गए थे। वैसे सच कहें जारा, तुमने और तुम्हारे अब्बा ने हमें परेशान करके रखा है, खुदा की कसम। क्यों, हमने क्या किया? हमने क्या किया मतलब, अभी तुम देखो, तुम्हारे अब्बा शरिया बोल गए और बनारस हमारे हवाले करके गए। बनारस देखे गए? मतलब हमारा मतलब है कि तुम्हारे अब्बा बनारस गए और शरिया बोर्ड हमारे हवाले करके गए, और तुम क्या कर रही हो? अकेला छोड़ी हमें अम्मी के पास रहने के लिए। जरा माफ करना, मगर ये ज्यादती होगी हमारे साथ। कभी तुम समझते हो ना, हम अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। माफ करना हमें। हम मजाक कर रहे हैं, टांग खींच रही थी। सारा वैसे मत सोचो। ऐसे कौन तंग करता है? तुम्हें पता है सिर्फ तुम अकेले नहीं रहोगे, हम भी वहां अकेले रहेंगे। बात तो सही। वैसे सारा, इस मसले का हल है हमारे पास। तो अपनी अम्मा को यहां बुला लो हमारे पास रहने के लिए। सच?
देखो जब तक समीर और सलामत पकड़े नहीं जाते हमारा मानना है कि तुम हमारे पास रहोगी ना तो हमें डर कम लगेगा। ठीक है तो हम अम्मा से पूछ रहे थे अगर वो मान गई तो उन्हें अपने साथ ले आएंगे। बहुत खूब ठीक है बहुत खूब। कभी चाचू जल्दी चलिए अलीना फूफी और आमिर फूफा आ गए। अरे ऐसे जाओगे? आमिर क्यों आए? कबीर वलीमे के बाद लड़की अपने घर आती है अपने मायके आती है उसके साथ हाँ। दामाद भी आता है तो आमिर भी आया कुछ दिन रुकता है भी। एक सेकंड आमिर यहाँ रुकने वाला है कुछ दिनों के लिए। हाँ क्यों किस खुशी में? सुनो तुम्हें याद है हम दोनों की पगफेरे की रस्म संभल के? नहीं याद है हमें। ऐसे कैसे याद नहीं है तुम भी हमारे घर आए थे ना वैसे ही अलीना के साथ आमिर आया है। काजी साहब पहले अजान लाउडस्पीकर्स पे नहीं होती थी और ना ही लोग मस्जिद कार में बैठ के जाया करते थे लेकिन आजकल अपनी आसानी के लिए अजान लाउडस्पीकर्स पे कर दी गई है। हमारे आराम के लिए हम कार में बैठकर मस्जिद तक जाते हैं। इस बात का जिक्र ना तो कुरान में किया गया है और ना ही हदीस पे लेकिन फिर भी लोग अपनी सहूलियत के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि एक शहर काजी होने की हैसियत से आप भी कोई ऐसा ही फैसला लें जो ना ही हदीस के खिलाफ हो और ना ही हीना की जिंदगी के खिलाफ हो। जाहिर सी बात है जब 1400 साल पहले ये हुक्म दिया गया था कि लड़कियां कहीं भी अकेली नहीं जाएंगी तो वो हुक्म इसलिए दिया गया था क्योंकि सैकड़ों मीलों का सफर या तो पैदल तय किया जाता था या ऊंटों पर बैठकर और ऐसे में लड़कियां अकेली जाए सवाल ही नहीं उठता इसलिए उनकी हिफाजत के लिए लड़कियों की हिफाजत के लिए हुक्म दिया गया था। तो काजी साहब यह मुद्दा लड़की की हिफाजत लड़की की इज्जत और लड़की गलत रास्ते पर ना जाए इसका है। आजकल एयरप्लेन्स हैं, लड़कियों के रहने के लिए अलग से गर्ल्स हॉस्टल है सीसीटीवी कैमराज है 24 घंटे सिक्योरिटी है और माँ बाप जब चाहे तब अपने बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े हुए हैं तो ऐसे में हीना को किस चीज का डर है? क्यों नहीं वो एक डॉक्टर बन के कौम की उन लड़कियों की खिदमत करे जो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाती है। जारा साहिबा बेशक हीना बीवी डॉक्टर बने लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि डॉक्टर्स लड़कियां आज नहीं बन रही। एक खातून थी ये लीजिए आन हुजूर के जमाने में जो जख्मी और बीमार लोगों का इलाज करती थी मसलन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खातून को इजाजत दी कि तुम मैदान में जाकर जख्मी सैनिकों का इलाज कर सकती हो बेशक कर सकती हो लेकिन जैसे हमारे हदीस में कहा गया एक महरम को साथ में लेकर जाना। जारा साहिबा जो 1400 साल पहले कानून लागू हुआ था आज भी वो कानून लागू होगा। हम हीना बीबी को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं आपका खाना पीना रहना सब कुछ शरिया बोर्ड की तरफ से होगा मगर शर्त वही रहेगी या तो आपके साथ कोई महरम जाएगा या तालीम लखनऊ में हासिल होगी। लेकिन कबीर काजी साहब जारा साहब माफ कीजिएगा काजी साहब आप बैठ सकती हैं जारा साहब कि नाम हम आपको कह रहे हैं बैठ जाइए। हमारे सपनों को बस आप ही पूरा करवा सकते हैं इसीलिए तो खुदा ने आपके शोहर को शहर काजी बनाया प्लीज हमारी मदद कर दो। तुम एक बार हमारी बात हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। हो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब आप हीना को दिल्ली जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं? हाँ सारा साहिबा, हाँ। हमारी बेगम साहिबा इनके साथ चाहेंगी और जब तक इनकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वो इनके साथ रहेंगी। शुक्रिया अंकू, आपने हमारी जिंदगी बना दी। जिंदगी हमने नहीं, इन्होंने बनाई है। इनका शुक्रिया अदा कीजिए। ना ये हमारे पास आती, ना हमें राजी करने के लिए अपनी दलीलें देती, और ना हम तुम्हारे जाने के बारे में सोचते। इन्होंने तो हमारी आंखें खोल दी। आपको पता है, पहले हिंदुस्तान से औरतें बिना महरम के हज पर अकेली नहीं जा सकती थी, लेकिन अगर आज औरत अकेली है और उसका कोई महरम नहीं है तो वो औरतों के ग्रुप में अकेली जा सकती है। पहले इस्लाम की दुहाई देकर खाड़ी के मुल्कों में औरतों को कार चलाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें कार चलाने की इजाजत है। यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग भी बदल रहे हैं। जब दुनिया बदल रही है तो आप क्यों जकड़े बैठे हैं? क्यों नहीं कोई जायज रास्ते पर चलकर अपनी बेटी को डॉक्टर बना देते हैं, जिससे आने वाली सारी नस्लों की किस्मत बदल जाए? तकरीर आप अच्छी कर लेती हैं, लेकिन आप हमें बरगला नहीं सकते। हम वही करेंगे जो हमारा अकीदा है। हमारी ये कोशिश भी बेकार गई। अब हमें कभी से बहस करके उसके फैसले को हीना की तरफ मुड़वाना होगा। शरिया बोर्ड की तरफ से होगा। तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी हम देने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक कबीर में दो दो कबीर बसे हैं, एक शरिया कानून पर चलने वाला सच्चा मुसलमान और दूसरा मुल्क पर कुर्बान होने के जज्बे से लबरेज। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन मेरे वतन जय।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज हम अपने शहीद पति की कसम खाते हैं कि हम अपने इकलौते बेटे अंकुश को भी फौज में भेजेंगे और वो भी दुश्मनों से अपने पापा की तरह बहादुरी से लड़ेगा। तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू। है वतन, है वतन मेरे वतन, मेरे वतन है वतन, है वतन मेरे वतन, मेरे वतन आबाद रहे तू। है वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। वतन मेरे वतन। हम कसम खाते हैं कि अपनी इसी जिंदगी में इस मासूम के सर से उतर रहे बालों की दुगनी तादाद में इस वतन के दुश्मनों को मारेंगे। सलमा, तुम तो बहुत ही कठोर दिल निकली। अरे दुश्मनी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि तुम अपनी जिठानी के गम में शरीक ना हो। नहीं नहीं भाभी जान, रहने दो, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे शौहर मरते और हम ना आते तो कैसा लगता? मम्मी, चाची, अम्मी की तरफ से हम आपसे माफी चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि अम्मी थोड़े गम में है, इसलिए उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। क्यों मत मानिए, लगना ही चाहिए। अरे इतने सालों तक हमारे साथ बुरा किया है तो इन्हें भी बुरा लगना चाहिए। भाभी जान, शिकवे शिकायत तो बाद में भी होते रहेंगे, अभी चलकर आप आराम कर लीजिए। वही ना भाभी जान। बेटा रिजवान, नमाज का वक्त हो गया है, हम अभी आते हैं। रिजवान भाई, हम सामान रखवा देते हैं। बड़े भाई के होते हुए छोटी बहन सामान उठाएगी, ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। आपको पता है रिजवान भाई, हम इतने वक्त में ना किसी को भाई कहने के लिए तरस गए। इतने सालों में ही सही, कम से कम हमें भाई तो मिला। तो फिर छोटी बहन एक वादा करे कि हम बीते हुए सालों की कोई भी कड़वी बात नहीं करेंगे। आने वाले अच्छे दिन जिसमें दोनों परिवार साथ में मिलकर रहे, उसकी दुआ मांगेंगे। शुक्र है, कम से कम रिजवान भाई के दिल में दुश्मनी की कड़वाहट नहीं है। वैसे जारा, तुमने अलीगढ़ से पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी वोकरी कुछ की कि नहीं? रिजवान भाई, नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अचानक शादी हो गई। तो शादी के बाद नौकरी कर लेती? शादी के बाद यहाँ वहाँ की चीजों में लग गए, उसके बाद इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। वैसे हमने शरिया बोर्ड ज्वाइन किया हुआ है तो उसी के काम में लगे रहते हैं। रिजवान भाई, क्या सोचने लगे? कुछ आप पहले ये बताएं कि आपके शौहर हमारे बहनोई इस शहर के शहर काजी साहब कहाँ हैं? शरिया बोर्ड गए? नहीं नहीं, इस वक्त तो प्रिंटिंग प्रेस से घर जा रहे होंगे। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी सुनिए, बहुत भूख लग रही है, आप खाना लगाइए, हमें अबू से कुछ बात करनी है। बेटा बेटा बेटा,
पहले हमें जारा के घर जाना होगा, उनकी बड़ी अम्मी आ गई है पुरसे के लिए। जारा ने सबको खाने पे वहीं पे बुलाया है। जीनत का शान जा नहीं पाएंगे, अमान के एग्जाम्स हैं। थोड़ा सा खाना, कुछ भी खा ले, बहुत भूख लग रही है। कबीर, तुम्हारी अम्मी जो है वो सही कह रही है, समझाने का मामला है, पुरसे में जाना बहुत जरूरी है। भाभी जान, आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए, अब अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चलती है। आयशा बहन, खाना लग गया है। हाँ हाँ सलमा बहन, भाभी जान खाना लग गया है, चलिए साथ मिलकर खाते हैं। कैसी आलिम की माँ हो तुम, तुम्हें इतना भी नहीं पता हम अभी इद्दत में हैं। हमारा 4 महीना 10 दिन किसी गैर मर्द के सामने जाना जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो सही नहीं है। भाभी जान, आयशा बहन को सब पता है, वो तो सिर्फ आपसे इसरार कर रही हैं और कुछ नहीं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं। हम सर देख कर आते। भाभी जान, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। अरे बेटा रिजवान, आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हो, हमारे साथ बैठिए और मेहमानों के साथ बात कीजिए। चाचा जान, हमारे बहनोई साहब हमारे घर आए, उनकी खातिरदार करना तो हमारा फर्ज है। अच्छा हमें दीजिए, हम करते हैं। हम भी मदद कर देते। ये लीजिए जनाब। शुक्रिया, आइए बैठ। तो कबीर मियां, आपने आलिम का कोर्स कहाँ से किया? देवबंद से। और आपने? हमने पटना से। पटना, माशाल्लाह बहुत खूब। वैसे शहर काजी साहब, हम आपके शरिया बोर्ड में एक शिकायत लिखवाना चाहते हैं। भाई बेटा रिजवान, कैसी शिकायत? हमारी बहन ने अलीगढ़ से पढ़ाई और आपने उसे नौकरी नहीं करने दी।